हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम मोशन है। ये क्लास नाइन्थ का फिजिक्स है, फर्स्ट चैप्टर। अब ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये इतना इम्पोर्टेंट होने का वजह ये है कि इसका फ्यूचर है, ये आने वाले क्लास में भी पढ़ेंगे। जिस तरह क्लास ट्वेल्थ में इसका पूरा एक बुक ही दिया है, तो समझो ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इससे रिलेट करेगा अगला सारा चैप्टर। तो ज़रूरी है इसको बेहतर से बेहतर समझने की। तो हम लोग जा रहे हैं इसको समझने के लिए। तो मोशन होता क्या है? तो अपने भाषा में अगर कहें मोशन क्या होता है, तो मोशन होता है जगह बदलना। एक जगह से अगर दूसरी जगह कोई गया तो यानी कि वो मोशन में आ गया। अगर जा रहा है तो वो क्या चीज़ में? मोशन में है। अगर इससे भी आसान कोई भाषा में आप कहना चाहते हैं तो आप ये कह सकते हैं मूवमेंट जो होता है ना वो मोशन होता है। आप अगर हिल रहे हैं या आप टहल रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो भी आप मोशन में हैं, है ना। यानी द फेनोमेना ऑफ चेंजेस ऑफ पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजिशन चेंज करता है तो वो क्या चीज में आ गया? मोशन में आ गया। चेंजेज ऑफ ऑब्जेक्ट, चेंजेज ऑफ पोजिशन, पोजिशन का चेंज करना क्या कहलाता है? मोशन कहलाता है। लेकिन बच्चों ये जो है 100% सही नहीं है, ये अभी भी इनकम्प्लीट है, जरूरी है। अब एक बात बताओ कि अगर मैं कहता हूँ कि मैं गरीब हूँ, तो ये जानना ज़रूरी कि मैं किससे गरीब हूँ। मुझे ये बात को कंप्लीट करने के लिए ये कहना होगा कि मैं अपने भाई से गरीब हूँ या मैं अपनी बहन से गरीब हूँ, है ना। मैं अपने बहन से गरीब हूँ या भाई से, ये बताना पड़ेगा। अगर बता रहा हूँ तो उसके तुलना में मैं गरीब हूँ, ऐसा नहीं है पूरे संसार से मैं गरीब हूँ, है ना। तो इसी को अब देखो क्या इसका फ़ायदा होने वाला है उसको समझना। मेरा भाई और बहन के बारे में जो बताएं वो मेरे लिए रेफरेंस है। तो यहाँ पहला टॉपिक आता है रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है कि अगर ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए है जो रेस्ट में है। रेस्ट का मतलब विराम होता है, रुका हुआ, है ना। इसको हम लोग स्टेशनरी भी कहते हैं। अब ए से एक ऑब्जेक्ट यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ गया, है ना। ऑब्जेक्ट यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ गया, तो ए के रेस्पेक्ट में विथ रेफरेंस टू ए इट इज इन द मोशन बिकॉज इट वर द बिफोर ऑफ दैट आफ्टर दैट इट विज रीच हेयर, है ना। कहने का मतलब ये पीछे था, उसके बाद क्या हुआ, ये आगे चला गया, लेकिन पॉइंट अपनी जगह पे है, तो इसके तुलना में ये क्या चीज़ में है? मोशन में है। समझ में आया बात? कहने का मतलब जब आप बस में होते हैं तो मोशन में होते हैं, तो किसके सापेक्ष में, किसके तुलना में? तो वहाँ पे जो बाहर पेड़ है, पेड़ अपनी जगह पे रुका हुआ है, आप क्या करते हैं, पेड़ के पीछे रहते हैं, बस में बैठे बैठे आगे चले जाते हैं, है ना। तो आप क्या चीज़ में हुए? मोशन में हुए। तो किसके तुलना में? तो पेड़ के तुलना में। वहीं आप अगर कंपेयर कीजिएगा अपने एडजेसेंट में जो बैठा हुआ है, आपका जो पड़ोसी है, उससे अगर आप कंपेयर करते हैं तो आप रेस्ट में हैं, क्योंकि अगर आप उससे एक मीटर की दूरी पे बैठे हुए हैं तो लगातार उससे जो डिस्टेंस आपका एक ही मीटर है, वो बदल नहीं रहा है, तो इससे ये पता चलता है कि आप रेस्ट में हैं। तो मोशन में होने के लिए ज़रूरी ये है कि उसका रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए कि किसके रेफरेंस में आप मोशन में हैं। तो ये मोशन का डिफिनेशन था। अगला रेफरेंस पॉइंट हो गया। अब यूनिट एंड एसआई यूनिट। अब देखो बच्चों कि अगर फिजिक्स यहाँ पढ़ रहे हैं हम लोग, ये मैथमेटिक्स तो है नहीं, इसका ब्रांच मैथमेटिक्स होता है। अगर फिजिक्स में कोई 5 लिख दे तो 5 का मतलब क्या है? तो फिजिक्स में 5 का मतलब कुछ नहीं होता है, लेकिन वही अगर कोई 5 मीटर लिख दे तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है ये किसी चीज़ का लेंथ है, किस चीज़ का हाइट है, ये पता चलता है। यानी कि अगर 5 के साथ मीटर आया, 5 के साथ अगर केजी आए, कोई भी नंबर के साथ कोई चीज़ आए, तो वो क्या होगा? वो मीनिंगफुल होगा फिजिक्स में। अगर सिर्फ 5 और सिर्फ 2 हो तो उसका कोई मतलब नहीं होने वाला, वो मीनिंगलेस होता है। तो इसी चीज़ को, ये जो चीज़ है ना, इसी को हम क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं? ये क्या हुआ? ये यूनिट हुआ। तो इसको क्या कहते हैं? ये नंबर है या आप डिजिट कहते हैं, नंबर है और डिजिट है। यानी जब नंबर और यूनिट जब एक जगह हो जाता है ना बेटा, तो उसे कहते हैं मैग्नीट्यूड। क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड। तो अगर कोई पूछे कि मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो लिखिएगा मैग्नीट्यूड इक्वल टू नंबर इंटू यूनिट। नंबर और यूनिट अगर एक साथ आ जाता है तो वो क्या कहलाता है? मैग्नीट्यूड कहलाता है। तो आपको अभी बात समझ में आया मैग्नीट्यूड क्या होता है, यूनिट क्या होता है। यूनिट समझ लिए। अब यूनिट के साथ मामला क्या था? कुछ प्रॉब्लम्स आई। जब क्या था ये प्रॉब्लम्स?
SI यूनिट आने से पहले आई थी, उस वक्त क्या यूज़ किया जाता था? FPS यूज़ किया जाता था, MKS यूज किया जाता था, है ना, CGS यूज़ किया जाता था, इन दिनों का यूज़ किया जाता था। FPS का फुल फॉर्म होता है फुट पाउंड सेकेंड, MKS का मीटर किलोग्राम सेकेंड, CGS का सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड। तो इसमें प्रॉब्लम ये आता था कि अगर आप इंडिया में हैं तो मान लेते हैं इंडिया में यूनिट CGS यूज़ करते हैं, सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड, आप चाइना जाइए तो MKS यूज़ कर रहा है, अमेरिका जाइए तो FPS यूज़ कर रहा है, तो ये प्रॉब्लम आता था सभी लोगों को। तो एक बैठक हुआ और उसमें SI यूनिट बनाया गया। SI यूनिट का फुल फॉर्म होता है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। तो वो 7 यूनिट्स बनाया गया, स्टैंडर्ड यूनिट जिसको पूरा दुनिया मानता है, जिसको पूरा दुनिया मानता है, तो वही SI यूनिट को हम लोग जानेंगे। तो SI यूनिट के बारे में पढ़ लेंगे। तो SI यूनिट अभी आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है यही 7 स्टैंडर्ड SI यूनिट है, है ना। तो ऊपर से नीचे तक आप देख सकते हैं, इसी चीज का हम लोग यूज करेंगे। आगे देखिए, अब है क्वांटिटी। फिजिक्स में क्वांटिटी जो होता है 2 टाइप का होता है क्वांटिटी। एक जो होता है वो स्केलर होता है, दूसरा जो होता है वो क्या होता है, वेक्टर होता है। स्केलर क्वांटिटी, अ क्वांटिटी विच कॉन्टेन ओनली मैग्नीट्यूड, ऐसा क्वांटिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड आए, यानी कि दिया हुआ है 5 kg, है ना, कोई चीज का मास दिया हुआ है 5 kg, तो ये क्या है, सिर्फ इसमें मैग्नीट्यूड है, तो ये क्या हुआ, स्केलर क्वांटिटी हो गया। किसी चीज का लेंथ दिया हुआ है 3 meter, है ना, ये क्या चीज है, तो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसलिए क्या है, स्केलर क्वांटिटी। और अगर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन आ जाए तो वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। जिस तरह अगर आप 5 newton फोर्स लगाते हैं, 5 newton फोर्स लगाएं, आप साउथ में लगा दिए, किस में लगा दिए, साउथ में लगा दिए, तो ये डायरेक्शन बताता है कि किस डायरेक्शन में लगाएं, तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया। यानी जहाँ पे डायरेक्शन की ज़रूरत हो जाती है और मैग्नीट्यूड होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। वेक्टर को लिखने का तरीका होता है कि अगर ए लिखना है तो ए वेक्टर ऐसे देते हैं, या सिर्फ ए पे एरो भी दे दे तो ये क्या होगा, ए वेक्टर को पढ़ा जाएगा, लेकिन इसके देने के लिए कोई यूनिट का यूज़ नहीं करते हैं। अब एग्जांपल लीजिए कि अगर आप मान लेते हैं कि ये गेट है, ये मेरे घर का गेट है। अब हम आपको कहें कि आप जाइएगा और इसको खोलने के इसको पे 5 newton फोर्स लगाइएगा तो ये खुल जाएगा, 5 newton फोर्स। तो आप जाके क्या कर रहे थे, धक्का दे रहे थे, पुश कर रहे थे, आपने 5 newton लगाया, उसके बाद 10 newton फोर्स लगाया, उसके बाद 20 newton लगाया, आपने पूरी कोशिशें कर ली लेकिन ये खुला नहीं, क्योंकि आपने इसे पुश कर रहे थे, अंदर की तरफ धक्का दे रहे थे, ये नहीं खुला। उसके बाद मुझे आप बुलाए, हम आए, उसके बाद हम सिर्फ 5 newton फोर्स लगाए और अपनी तरफ खींचे, यानी पुल किए, ये खुल गया। तो इसमें क्या ज़रूरी था इसको खोलने के लिए, डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन नहीं होता तो ये खुलता नहीं, यानी कि इससे ये पता चलता है कि फोर्स क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया, क्योंकि इसमें जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो डायरेक्शन की ज़रूरत है। फोर्स ऊपर से अप्लाई कर रहे हैं तो डाउनवर्ड में कर रहे हैं, है ना, आप डायरेक्शन जानते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। तो यानी कि क्वांटिटी 2 टाइप का हुआ, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। चलिए अब आगे देखते हैं, क्वांटिटी हो गया तो क्वांटिटी के बाद हमारा जो टॉपिक आता है वो टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो देखते हैं डिस्टेंस क्या होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है तो जितना ट्रैवल किया वो उसका क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा, है ना। पॉइंट ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, तो यहाँ से यहाँ तक जो गया यही इसका डिस्टेंस कहलाता है। डिस्टेंस को हिंदी में दूरी कहते हैं, और डिस्टेंस को जो डिनोट करते हैं यहाँ पे क्या चीज़ से करते हैं, तो एस से डिनोट करते हैं। बचपन में जो डी से करते थे उनकी बातें भूल जाइए, यहाँ पे डिस्टेंस को एस से डिनोट करते हैं, है ना। तो ये डिस्टेंस हुआ यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया, यानी कि मान लेते हैं कि ये 10 meter है, ये 5 meter है और ये 3 meter है,
तो कोई पूछा कि आपका टोटल डिस्टेंस कितना है, तो आप लिखिएगा कि डिस्टेंस आपका हो गया 10 + 5 + 3, है ना। तो ये 10, 5, 15, 15, 3, 18 मीटर आपका टोटल डिस्टेंस हुआ। तो डिस्टेंस ट्रेवल आपने कितना किया, 18 मीटर। अगर यही बात आ जाए डिस्प्लेसमेंट का, यहाँ बात आ जाए डिस्प्लेसमेंट का, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस समझ के पूरा जो ट्रेवल है आप जितना चले पूरा को जोड़िएगा वो आपका डिस्टेंस हुआ, है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट होता है डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जो डिस्टेंस होता है दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। अगर यहाँ से आपको यहाँ तक जाना ही था, तो अगर आप अगर सीधा कोई रास्ता चाहे सीधा अगर आप आ जाते हैं, तो ये जो डायरेक्ट ए से डी तक गया ना, ये क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो डिनोटेड बाई एस। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस ज़्यादा हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा कोशिश करेगा कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जाए, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कम से कम दूरी को तय करेगा, है ना, वो क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। अगर कोई चीज़ अगर सीधा रास्ता में चले, अगर एक ऑब्जेक्ट है ए से बी तक गया, एक ऑब्जेक्ट कहाँ से गया, ए से स्टार्ट किया बी तक गया, तो ये डिस्टेंस क्या हुआ, ए बी, है ना, ये भी क्या हुआ, इसका डिस्टेंस हुआ। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी ये भी होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है, अगर वो वापस नहीं आता, जाके एक जगह रुक जाता है, तो शुरू से लेके इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक जो होता है दूरी, वो डिस्टेंस होता है और डिस्प्लेसमेंट भी होता है। तो अगर कोई पूछे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब बराबर होता है, तो कहिएगा जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे और वो फिर रिटर्न ना आए, जहाँ पर जाए वहीं पर रुक जाए, तो क्या होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा। अब स्केलर वेक्टर के हिसाब से देख लेते हैं, तो डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें तो डायरेक्शन है। आप कहिएगा कि डायरेक्शन तो है, तो फिर ये स्केलर क्वांटिटी कैसे हो गया, तो बेटा डायरेक्शन होने के बावजूद भी आप ध्यान दीजिए कि डायरेक्शन जो है वो कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। आप नहीं कह सकते कि ये साउथ की तरफ बढ़ा या नॉर्थ की तरफ या ईस्ट की तरफ या वेस्ट की तरफ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का फिक्स होता है इनिशियल से फाइनल पॉइंट, है ना, कि किसी एक डायरेक्शन में ये लगातार बढ़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो वेक्टर क्वांटिटी हो गया, और डिस्टेंस जो हुआ वो स्केलर क्वांटिटी हो गया। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना, यू गेट इट। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अब थोड़ा और डिस्प्लेसमेंट को देखते हैं, है ना, जरूरी है इसे समझना। तो अगला जो डिस्प्लेसमेंट को आप देखिएगा, तो डिस्प्लेसमेंट के साथ मामला क्या होगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट ए से चला, यहां चला, यहां चला, यहां चला, और फिर यहां आ गया, पॉइंट ए से चला और पॉइंट ए पे आ गया, कहने का मतलब है इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट दोनों अगर एक ही हो, जहां से चले वहां पे पहुंच जाए, दोनों कॉमन हो, तो आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का डिफिनेशन क्या था, डिफरेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट, इट शुड बी स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, है ना, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट। तो यहां पे क्या है, एक ही पॉइंट पे है, तो इसका डिस्टेंस बना ही नहीं, तो ये क्या हो गया, जीरो हो गया। अब कोई ऑब्जेक्ट यहां गया, मान लो कि ऊपर चल रहा है, और फिर ये रिटर्न आ गया ओपोजिट डायरेक्शन में, गया था इधर लेकिन फिर रिटर्न आ गया ओपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको कहेंगे निगेटिव। ये क्या बना, निगेटिव बना। तो इससे ये पता चला है कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और निगेटिव भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट मे बी पॉजिटिव, मे बी निगेटिव, मे बी जीरो। आप बेहतर जानते हैं मैथमेटिक्स के हिसाब से जीरो इज नॉट पॉजिटिव नाइदर निगेटिव। ये था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अगर कोई पूछ दे, है ना, कि अगर ऐसा बन रहा है, ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है, कोई ऑब्जेक्ट ए से चला बी तक गया, बी से सी तक पहुंचा, तो इसका डिस्टेंस कितना है, तो आप कहिए अगर डिस्टेंस निकालने के लिए टोटल को जोड़ते हैं ए बी प्लस बी सी, तो क्या करेंगे, 4 + 3 = 7 मीटर। अगर कोई डिस्प्लेसमेंट पूछ दे, तो डिस्प्लेसमेंट तुरंत याद आना चाहिए, इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, किससे, हमेशा स्ट्रेट लाइन से। और ये जो ए सी का दूरी है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो इसको कैसे निकालिएगा, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा है, तो इसका हेल्प लीजिएगा और क्या कीजिएगा, रूट अंडर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो क्या कीजिएगा, रूट अंडर 4² + 3² = √16 + 9,
इक्वल टू रूट 25 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर इक्वल टू 5 मीटर, यानी कि हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या आया 5 मीटर। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि हर वक्त डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो। तो ये टॉपिक हुआ।